हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ITR 4 का डेमो देखने वाले हैं। किस तरीके से ITR 4 का फॉर्म हमें भरना है और कैसे सबमिट करना है ऑनलाइन, उसका डेमो देखेंगे। दोस्तों, डेमो के लिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा दूसरा चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स और PF से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस उस चैनल पर ही आपको मिलने वाले हैं। तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही वहां पर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम वहां पर लाइव सेशन भी रखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी वहां पर 1000 सब्सक्राइबर भी करा दीजिए ताकि हम लाइव सेशन रखें, क्योंकि रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज्यादा समय जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर एड्रेस भी नहीं कर पाते। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ITR 4 कैसे भरना है उसका डेमो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो जो होगा वो ज्यादा डिटेल में होगा, इसलिए ज्यादा समय भी लगेगा, क्योंकि एक भी पॉइंट हम यहाँ पर स्कीप नहीं करने वाले हैं। जितने भी पॉइंट हमारे ध्यान में है अभी, सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्टकट हम नहीं मारने वाले इस वीडियो में, तो इस चीज का ध्यान करते हुए आपको वीडियो में आगे बढ़ना है, समय लगेगा। सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 तारीख, मतलब आज ही है। तो यहाँ पर ITR 4 भी अवेलेबल हो गया। ITR 1 कुछ दिन पहले ही अवेलेबल हुआ था, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। तो अब चलते हैं, लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यूजर आईडी, जो कि पैन नंबर होता है, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और फिर लॉगिन पर फटाक से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया हमने, इस तरीके से पेज आ गया है। यहाँ पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ई फाइल में जाएंगे तो ये पहला ऑप्शन भी इनकम टैक्स रिटर्न वाला ही है, जहां पर क्लिक करके हम अपना फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म सेलेक्ट करें उससे पहले दो चीजों का आपको ध्यान देना है। पहले तो माय अकाउंट में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन देखना है आपको, चेक कर लेना कि आपका कोई टैक्स क्रेडिट है या नहीं है। यहां कंफर्म पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से नया पेज आ जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करना, प्रोसीड पर क्लिक कर देना, फिर वेरीफाई टैक्स क्रेडिट 26AS में जाना है और यहां पर आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यू एज HTML करके आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका कुछ TDS डिडक्ट हुआ है और डिडक्ट हुआ है तो वो सही अमाउंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो जब आपको पता चल जाए कि आपका TDS पूरी तरीके से सही आया है, जैसे आपको कमीशन मिल रहा है या कोई आपका TDS डिडक्ट हो रहा है किसी भी माध्यम से, तो वहां पर दिखाई दे रहा और पूरी तरीके से जमा हो गया, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ बढ़ना है। डैशबोर्ड पर जाना है। अब यहां पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करने से पहले एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना डेटा एक जगह पर जमा कर लेना है, ताकि आपको जब फॉर्म भरे तो आपको आसानी हो, हर चीज को आप आसानी से वहां पर इंटर करते जाए। तो इस तरीके से हम देखिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाकर रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो ITR 4 जब हम भरते हैं तो इसीलिए भरते हैं ताकि हमें बैलेंस शीट वगैरह बनाने की जरूरत ना हो, लेकिन इनकेस भले ही छोटा बिजनेस हो हमारा, लेकिन फिर भी हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर रखना चाहिए। एक एस्टिमेटेड फ्यूचर में बहुत ही काम आता है। इनकेस अगर लोन वगैरह ले रहे हैं और किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर ये काम आता है, भले ही आप ITR 4 ही सबमिट कर रहे हैं। ITR 3 में तो पता ही है कि हमें लगता है, डिटेल लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का भी लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट का भी लगता है, लेकिन ITR 4 में लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बनाकर रखना है, ये बहुत हमारे काम में आता है। तो कैसे बनाना है उसका वीडियो हम डालेंगे अपने दूसरे चैनल पर। इसका आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप आ सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर या तो फेसबुक पर, वहां पर मैं आपको लिंक भेज दूंगा। काफी लोगों को ये लिंक मिल भी गया है। इसका वीडियो हमने बहुत पहले, मतलब एक साल पहले हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था बैलेंस शीट का, और वहां पर हमने फॉर्मेट भी काफी लोगों को सेंड किया था, लगभग 700-800 लोगों को फॉर्मेट सेंड किया था। तो आपको चाहिए तो आप हमें ट्विटर या फेसबुक पर मैसेज करिए, वहां पर मैं आपको भेज देता हूँ ये फॉर्मेट और इसका डिटेल वीडियो, ये कैसे बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कंप्यूटेशन देखिए हमने बनाया हुआ है, कैसे बनाना पड़ता है उसका वीडियो हम अपने सेकेंड चैनल पर डालेंगे। तो वो भी 20-25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप खुद से ये सब चीज़ें बना सकते हैं। फिलहाल हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अब हमें फॉर्म भरना है। तो हम जाएंगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर है, सेलेक्ट कर लेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21 ITR फॉर्म 4। फाइलिंग टाइप में हम इंटर करेंगे ओरिजिनल एंड रिवाइज रिटर्न। उसके बाद सबमिशन मोड ऑनलाइन, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से मैसेज आएगा, आई एग्री पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ITR 4 का फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है।
देख सकते हैं यहाँ पर ITR 4 सुगम, और नीचे देखेंगे बहुत सारे टैब यहाँ पर दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन वाला पहला टैब है, आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो भी जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा जो पार्ट होता है वो बेसिक होता है, हमारा नाम, सरनेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, तो ये सब आपको चेक कर लेना है। अगर बिल्कुल सही है तो इसको एज इट इज़ रहने देना है, कुछ भी रॉन्ग है तो इसको आपको चेंज कर लेना है। इनकेस एड्रेस वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से ही कर सकते हैं, ताकि आपके ITR में, एक्नॉलेजमेंट में सही एड्रेस आए। जो भी एड्रेस आप इंटर करेंगे वही एड्रेस ITR में आएगा। तो हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ अपडेट है। इनकेस आपका अगर कुछ चेंज है तो आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ से नीचे जाएंगे तो आधार डिटेल हमारा सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। अब और नीचे जाएंगे हम स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आ गया है फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हमें क्लिक करना है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। इन केस आप बिजनेस के साथ साथ कोई जॉब भी कर रहे थे या कुछ पार्ट साल के कुछ समय तक आपने जॉब किया हुआ है तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल एम्प्लॉय थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो स्टेट गवर्नमेंट, PSU के थे तो PSU, पेंशनर है अगर और साथ में आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो पेंशनर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपने अगर जॉब किया हुआ या कर रहे हैं और साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना है, ITR 4 फॉर्म अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ही भरना है, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सैलरी वगैरह है या हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 या ITR 2 आपको भरना है। मतलब बिजनेस होना कंपलसरी है ITR 4 में और ITR 3 में, अगर बिजनेस ही नहीं है तो इन दोनों फॉर्म का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद A20 में जाएंगे, फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहां पर हम सेक्शन चूज करेंगे। हम समय से भर रहे हैं इसलिए 139(1) सेलेक्ट करेंगे और समय सीमा के बाद जो कि नवंबर में खत्म होगा उसके बाद जब भरेंगे तो 139(4) आ जाएगा। फिलहाल हम समय सीमा के अंदर कर रहे हैं तो 139(1) हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कुछ नया ऐड हुआ है इस साल से। यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्शन 139(1) के सातवें प्रोविजन की वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ रहा है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे नहीं मतलब तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला यहां पर ऑप्शन है कि 1 करोड़ से ज्यादा का अगर हमने डिपॉजिट कराया हुआ है करंट अकाउंट में तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में यहां पर यस सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर भी यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में फिलहाल नो है, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर फॉरेन ट्रेवल, मतलब फॉरेन ट्रेवल आपने किया हुआ है, 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर किया हुआ तो यहां पर आपको यस सेलेक्ट करना है, तो ये भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा है कि 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है पूरे साल में, तो ये भी नो है हमारे लिए। तो वैसे तो हमारे केस में तीनों नो है तो हम ऊपर वाला भी नो कर देंगे सीधे सीधे, मतलब इन तीनों की वजह से ही आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं तब तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको भी नो रखना है अगर इन तीनों की वजह से नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, कुछ भी नहीं है, रिवाइज वाला है सब, यहाँ पर रिवाइज का भी सीन ही नहीं क्योंकि अभी तो आज ही ITR 4 फॉर्म आया हुआ है। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SAC, आप अगर रिप्रेजेंटेटिव SAC के तौर पर अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आपको यस करना है। यस जब करेंगे तो बहुत सारे और डिटेल आपको इंटर करने पड़ेंगे, आपका नाम, कैपेसिटी क्या है, लीगल हियर है, मैनेजर है, गार्जियन है वो, उसके बाद एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, उसके बाद पैन नंबर रिप्रेजेंटेटिव का, उसके बाद आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव का। तो हमारे केस में नो है तो हम नो करके सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट पर आपको बार बार क्लिक करना है ताकि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए, लाइट चली जाए या ब्राउजर से एग्जिट हो जाए तो हमारा काम सेव हो जाए जितना काम हमने किया हुआ। ऊपर जाएंगे, अब जनरल इंफॉर्मेशन तो हो गया है पूरा, अब हम इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब इनकम डिटेल्स के टैब में आएंगे तो यहाँ पर हमें इनकम के डिटेल्स फीड करने हैं। यहाँ पर बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 4 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। ध्यान देना है ये जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ITR 1 में इनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है और वो सेम का सेम जो लॉजिक है, जो एग्जाम्पल है, जो रूल है वो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। तो इनकेस आपको अगर बिजनेस इनकम के साथ साथ सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है
तो ITR1 का नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको वो वाला वीडियो देख लेना। तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हम यहाँ से स्कीप करते हैं। उसके बाद दो अब इनकम बचते हैं, बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमने ITR1 में कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक छोटा सा इनकम है, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट। 810 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है साल भर में। ये हमने जो चार्ट बनाया हुआ है कंप्यूटेशन में, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सेविंग, तो हमने इंटर कर दिया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करके। ध्यान देना, सेविंग अकाउंट अगर मल्टीपल है, मतलब एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है उन सबको मिलाकर आपको यहाँ पर लमसम अमाउंट इंटर करना है। FD या RD वगैरह है तो उसके लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में फिलहाल है नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन और टैक्सेबल टोटल इनकम का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल इसको हम अभी रुकते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस डिटेल इंटर कर देते हैं, बिजनेस इनकम का जो डिटेल है वो इंटर कर देते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा Schedule BP में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल है, इंटर नहीं कर सकते हैं कुछ भी। Schedule BP में जाना पड़ेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमें पेज दिखाई देगा। ये जो टैब है और यहाँ पर जो ऑप्शन है और यहाँ पर जो हम बातें करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 44 AD का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद नीचे यहाँ पर सेक्शन 44 ADA का ऑप्शन मिलता है, और उसके नीचे सेक्शन 44 AE का ऑप्शन मिलता है। तो तीनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जबकि हमारे लिए सेक्शन 44 AD ही एप्लीकेबल है हमारे डेमो के हिसाब से, लेकिन हम तीनों भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 44 AD की। ये देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पर इंटर कर देते हैं, एक डेमो नेम हम यहाँ पर इंटर कर दे रहे हैं। उसके बाद बिजनेस कोड हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। हमने बिजनेस कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि क्या बिजनेस है, होलसेलर ऑफ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, तो इसका कोड हमें सर्च कर लेना है। दोस्तों, ये फायदा होता है कि आप पहले से ही अपना डिटेल पूरा बना के रखें, तो आपको ज्यादा समय यहां वहां करने में नहीं जाता, आप पॉइंट टू पॉइंट अपना काम कर सकते हैं। होलसेलर वाला जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे, कहाँ गया, ये रहा होलसेलर, ये रहा होलसेल ऑफ हाउसहोल्ड गुड्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने बिजनेस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप इंटर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बिजनेस है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, उसका नाम भी लिखकर उसका भी कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में सिंगल है तो हम सिंगल ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का डिटेल इंटर करना है, दो बॉक्सेज हैं। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, यहाँ पर भी दो बॉक्सेज हैं। तो सबसे पहले हम टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो दो बॉक्स दिख रहे हैं, इन दोनों का टोटल मिलाकर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 करोड़ से कम वालों के लिए ही ITR4 एप्लीकेबल है, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो ITR3 भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए क्यों गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आपका वो टर्नओवर का पार्ट या ग्रॉस रिसिप्ट का वो पार्ट जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको मिला हुआ है, उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करना है, और जो एनी अदर मोड मतलब कैश सेल से आया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है। दोनों को अलग अलग दिखाना है। गवर्नमेंट इनकरेज करता है कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें, और इसीलिए इस पर खास छूट भी वो देता है। क्या छूट मिलता है हम नीचे बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम टर्नओवर इंटर कर देते हैं। हमने बनाया हुआ है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर देखिए जो सेल में अकाउंट में हमने दो भाग में इसको डिवाइड किया है, एक तो बैंक चेक या ट्रांसफ़र के थ्रू जो हमें आया हुआ है और जो कैश सेल के थ्रू आया हुआ है। तो बैंक चेक या ट्रांसफ़र के थ्रू हमें 19,85,120 रुपये आए हैं, ठीक है, और कैश सेल है 18,65,000। अब दोस्तों, काफ़ी लोग यह भी सोच रहे होंगे कि हमने सेल, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों रखा हुआ है, ट्रेडिंग क्यों नहीं बनाया हुआ। तो इसका जब बैलेंस शीट का वीडियो बनाऊंगा सेकेंड चैनल पर, तो हम सभी फॉर्मेट को डिस्कस कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाया हुआ, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं।
तो फिलहाल तो अभी हम ITR 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने टर्नओवर इंटर कर दिया बैंकिंग चैनल के थ्रू और कैश सेल दोनों इंटर कर दिया। अब जो बैंकिंग चैनल के थ्रू हमें रिसिप्ट हुआ है उस पर हमें यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। सेक्शन 44AD यही बोलता है, अपना टर्नओवर बताइए और उस पर मिनिमम इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आप कंपलसरी दिखाइए ही। अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो मिनिमम 6% का प्रॉफिट आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर 6% से ज़्यादा दिखा सकते हैं, 7%, 8% इस अमाउंट का, लेकिन 6% से आप 5% नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर मिनिमम 6% आपको दिखाना ही दिखाना है। उसी तरीके से जो कैश सेल हुआ है उसका मिनिमम 8% आपको इस बॉक्स में इंटर करना ही पड़ेगा, बी वाले ऑप्शन में। 8% से ज़्यादा जा सकते हैं लेकिन कम आप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सेक्शन 44AD का मेन इंटेंशन है, 6% या 8% आप प्रॉफिट दिखाइए और आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं सेक्शन 44AD में। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपया ही है साल का, ठीक है? तो इस केस में देखा जाए तो वहाँ पर ऑडिट आ जाता है क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 6% और 8% से कम है, तो ठीक है। तो ऑडिट कराएंगे तो ऑडिट का खर्चा होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा उसका खर्चा होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे देता है कि आप 1 करोड़ का टर्नओवर दिखा के बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन किया हुआ या कैश सेल, तो 6% या 8% हम मिनिमम प्रॉफिट दिखा के ऑडिट और बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से बच सकते हैं। अब मैं यहाँ 1 करोड़ बोल रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, सभी को 1 करोड़ नहीं डालना पड़ेगा, जिसका जितना टर्नओवर होगा उतना डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पॉइंट फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर हम ITR 4 फॉर्म भर ही रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से भरें कि ये फ्यूचर में भी हमारे काम आ जाए। अब किस तरीके से काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने यहाँ पर टर्नओवर दिखाया बैंकिंग वाला और कैश सेल, अब इसका 6% और 8% हमें मिनिमम यहाँ पर दिखाना है। दोस्तों ध्यान देना, गवर्नमेंट बोलता है कि आप 6% से ज़्यादा दिखा सकते हैं, 8% से ज़्यादा दिखा सकते हैं। अब मैं आपको अपना केस दिखाता हूँ। हमारे केस में जो प्रॉफिट है ये देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 584,380 और टर्नओवर कितना है टोटल 3,850,120। तो इसको अगर परसेंटेज में हम निकालें तो प्रॉफिट जो है वो 15% से भी ज़्यादा है, लगभग 15-20% के बीच में है। मतलब जो 6% और 8% का क्राइटेरिया है उससे बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाहिए? तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट है। इन केस आपको अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है तब तो आप यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाइए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे तो फ्यूचर में लोन वगैरह लेते समय आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा लिमिट मिलेगा। बट अगर टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तब आप ज़्यादा प्रॉफिट मत दिखाइए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। 6% और 8% से ज़्यादा दिखाइए लेकिन इतना दिखाइए कि आपको टैक्स लायबिलिटी भी ना बने और फ्यूचर में आपके काम आ जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है कि 6% से प्रॉफिट अगर आपका ज़्यादा है एक्चुअल में और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तब आप यहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखाइए 6% से भी। और अगर टैक्स लायबिलिटी बन रहा तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, लेकिन इतना कम करिए कि वो 6% से ज़्यादा ही रहे, 8% से ज़्यादा ही रहे। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 6% से काफ़ी ज़्यादा है, 584,380 है। तो इसको हम डिवाइड करके इंटर कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट जो टर्नओवर है सिमिलर है, सिर्फ 1 लाख का फर्क है। तो 50-50 डिवाइड कर देंगे दोनों में, ठीक है? तो 584 का मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ 2,60,000, क्योंकि इसका टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है, 19 है। और जो 2,60,000 डालने के बाद, एक सेकेंड, 584,380 ये प्रॉफिट है हमारा, 584,380, ठीक है? इसमें से हम 260 माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको हम कैश वाले में डाल देंगे, 324,380 ये हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट आया 584,380 ये हमारे
बैलेंस शीट से भी मैच करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी मैच करेगा, तो ये फ़ायदा हमें मिल जाएगा। दो तीन चीज़ें हम मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, दोनों तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करिए, और ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजिंग लगा तो फिर से एक नया वीडियो फ्यूचर में बनने वाला ही है, क्योंकि अभी ये नया नया ITR 4 फॉर्म आया है तो उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे फ्यूचर में, तो हम फिर से नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये पॉइंट समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो अब हमने ITR 4 में सेक्शन 44AD इंटर कर दिया, और जो प्रॉफिट आया है वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही आया, और हमें टैक्स भी कोई नहीं देना पड़ेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ गया, और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में लोन वगैरह के लिए भी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 44ADA के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी आपको बिजनेस नेम इंटर करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंटर करना है। उसके बाद बिजनेस कोड में प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पर अकाउंटिंग बुककीपिंग ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। बिजनेस को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट में आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए मैक्सिमम 50 लाख ही इंटर कर सकते हैं, 50 से ऊपर आपने इंटर किया तो ये आपको एरर दिखाई देगा। ये देखिए ये बोल रहा है कि 50 लाख से आप ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पर आपको 50 लाख से कम ही ग्रॉस रिसिप्ट दिखाना है। 50 लाख से ज़्यादा आपका ग्रॉस रिसिप्ट होता है, कम दिखाना है मतलब जबरदस्ती कम नहीं दिखाना है। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर जाता है तब आपको ITR 3 भरना पड़ेगा, और उससे कम होता है ग्रॉस रिसिप्ट तब आप ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10 लाख ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं ग्रॉस रिसिप्ट। तो इस 10 लाख का यहाँ पर आपको 50% मिनिमम दिखाना है, मिनिमम 50%, उससे अगर कम आपका प्रॉफिट है और आप कम वाला प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तब आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा और ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो टैक्स ऑडिट और बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से बच सकते हैं, आप मिनिमम 50% यहाँ पर प्रॉफिट दिखा दीजिए। तो जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया था, आपको एनालाइज कर लेना कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है, ऑडिट वगैरह का खर्चा कितना आता है, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का खर्चा कितना आता है और कहां पर आपको फायदा, वो सब एनालाइज कर लेना। उसके बाद उस हिसाब से आपको ITR 3 भरना या 4 भरना वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे केस में प्रोफेशनल वाला कुछ है नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो सेक्शन 44A ही है ट्रांसपोर्टर के लिए, तो यहां पर इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। बिजनेस कोड में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अदर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस, उसके अलावा पैकर्स मूवर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। हम फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड कर लेते हैं, यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो गुड्स कैरीज है, जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि वो हम खुद ओन करते हैं, हमने रेंट पर लिया हुआ है या हायर करते हैं, तो वो हम यहाँ पर ओन मान लेते हैं या लीज भी मान सकते हैं, तो डिपेंड करता है जो आपके लिए सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर टनेज कैपेसिटी ऑफ गुड्स कैरीज ये इंटर करना है, कितना कैपेसिटी है हमारे व्हीकल का जो हमने यहाँ पर इंटर किया हुआ। उसके बाद कितने महीने आपने यूज किया हुआ है उस गाड़ी को, तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, तो हम 12 ही लिख देते हैं पूरा कि यहाँ पूरे साल यूज किया। उसके अलावा अगर और भी गाड़ियाँ हैं तो आप इंटर करते जा सकते हैं जितने भी हो। अब कितने महीने इस्तेमाल करते हैं वो तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कितना इनकम हमें प्रेजेंटिव इनकम के अंडर दिखाना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, अगर 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा का है तो हर टन पर 1000 रुपया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर महीने का, और अगर 12 मेट्रिक टन से कम है तब तो 7500 रुपया मिनिमम हमें दिखाना पड़ेगा हर महीने का। तो 12 महीने यूज़ किया हमने, हम मान लेते हैं 8000 रुपया, हमारा 10 मेट्रिक टन ही है मतलब 12 से कम है, तो मिनिमम हमें 7500 रुपये हर महीने का दिखाना है, तो हम यहाँ पर 8 दिखा देते हैं, तो 12 × 8000 तो यहाँ पर 96000 आ जाता है, ठीक है, ये अमाउंट आ जाता है एक गाड़ी का। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप दिखा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। तो इस तरीके से आप सेक्शन 44A भी भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर बिजनेस आ गया है। उसके नीचे आएंगे तो GST नंबर यहाँ पर हमें इंटर करना पड़ेगा अगर है तो। उसके बाद GST रिटर्न में हमने जो एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दिखाया हुआ है वो यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, पूरे साल का यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। और ये चीज़ें इंटर करते समय आपको सावधानी बरतना है क्योंकि मिसमैच होने पर आपको नोटिस आ सकता है
जीएसटी वालों का, इनकम टैक्स वालों का तो नोटिस नहीं आएगा, जीएसटी वालों का आ सकता है। जीएसटी वालों का नोटिस और भी केसेस में आ सकता है, आप अगर टोटल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का दिखाते हैं तो भी नोटिस आपको आ सकता है। ये आपसे पूछ सकता है गवर्नमेंट, जीएसटी वाले पूछ सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, क्योंकि 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसी हिसाब से सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर 20 लाख से ऊपर जाता है टर्नओवर तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको जीएसटी की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो ये सब डिटेल जो है वो आपको ध्यान से डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पर आपको डिटेल फीड करना है। सब मत फीड करिएगा, यहाँ पर चार दिए गए हैं, E15, E19, E20, E22, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड, चार ही उन्होंने इंटर करने के लिए बोला, तो चार ही इंटर करिए, ज़्यादा यहाँ पर हमें डिटेल्स फीड नहीं करना। तो सन्ड्री क्रेडिटर हम इंटर कर देते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट है। तो ये चार डिटेल ही फीड करना पड़ता, तो यही फीड करिए, ज़्यादा डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल फीड कर सकते हैं बिजनेस का, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE के तहत। बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। उसके बाद हम फिर से जाएंगे इनकम डिटेल्स में। अब इनकम डिटेल्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 584 ऑटोमेटिकली आ गया है। अब नीचे जाएंगे जब, तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी सैलरी वगैरह आपने डाला होगा तो वो सब भी दिखाई देगा। अदर सोर्स का 810 हमें दिखाई दे रहा है, टोटल इनकम हो गया 585190। तो हमारे केस में देखिए हमने कंप्यूटेशन बनाया हुआ है, 585190 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अब हम इंटर करेंगे डिडक्शन, अब हम डिडक्शन का डिटेल इंटर करते हैं। उसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब में ही, यहाँ इस टैब में ही हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो पार्ट सी में डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्योंकि इस बार रूल थोड़ा चेंज हुआ है कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे ड्यू डेट थे जिसको एक्सटेंड कर दिया 1 अप्रैल 2020 के बाद से लेकर 30 जून 2020 के बीच में। मतलब मान लीजिए LIC का पेमेंट करना था लेकिन पेमेंट हम कर नहीं पाए, डेट निकल गया, तो गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में भी कोई पेमेंट कर देंगे तो माना जाएगा कि उसी फाइनेंशियल ईयर का है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट अगर छूट गए और आपने किए हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड, भले वो पेमेंट आपने अप्रैल, मई या जून 2020 में किए हैं तो भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दिया हुआ। आपने अगर पेमेंट किया हुआ 1 अप्रैल 2020 और 30 जून 2020 के बीच में जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से, तब आपको यहाँ पर करना है यस, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं किया हुआ है, आपने पहले ही सब मार्च के पहले ही सब काम खत्म कर दिया था, तो आपको सेलेक्ट करना है नो। तो हमारे केस में वैसे तो नो है लेकिन आपको मैं डेमो दिखाने के लिए यस कर देता हूं ताकि आपको बता सकूं कि कैसे इसको फीड करना। तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 80C में, यहां पर हम इंटर कर देते हैं सेक्शन 80C से जुड़ा हुआ अमाउंट। सेक्शन 80C का अमाउंट है हमारे पास 93,295, तो यहाँ पर हम 93,295 इंटर कर देते हैं, ठीक है, ये हमने इंटर कर दिया 93,295। अब इसमें से हो सकता है कुछ पेमेंट हमने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में किया हो तो उसको आपको आगे चलकर दिखाना। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है। मेरे पास इसका एग्जांपल अभी फिलहाल नहीं है लेकिन मैं आपको ITR-1 वाला एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये रहा फॉर्म 16, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में अच्छे से इन सब चीज़ों को समझा था। ये देखिए इस तरीके से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि आपने फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च ख़त्म होने से पहले ही ये सब पेमेंट किया, ATC का पेमेंट किया, PF वगैरह पे कर दिया, 1,23,000 आपने कर दिया, कुछ पेमेंट आपके बच गए कोविड-19 की वजह से आप कर नहीं पाए जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन आगे चल के जब गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया कि अप्रैल और जून के बीच में आप भर सकते हैं तब आपने भर दिया, 29,800 का पेमेंट आपने कर दिया। तो अब इन दोनों को आप टोटल मिलाएंगे तो हो रहा है 1,52,800 रुपया। अगर इस एग्जाम्पल को लें तो हमें यहाँ ITR में
देखिए इस ITR में हमें यहाँ पर अमाउंट इंटर करना पड़ेगा 152,800। तो ये है अमाउंट 152,800। दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा वर्कशीट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, जब इनकम डिटेल्स में हम डिडक्शन भरेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना कि आपने अप्रैल में दिया या मार्च में दिया, फरवरी में दिया, कुछ नहीं सोचना। टोटल कितना दिया वो आपको कैलकुलेट करना है, वो इंटर कर देना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो एक्चुअल में एग्जाम्पल है उसको मैं बाद में इंटर कर दूंगा, क्योंकि इसमें आपको समझने को ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इस एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। सेक्शन 80D है, सेक्शन 80D में 22,600 रुपया हमने दिया हुआ है, लेकिन अप्रैल के बीच में दे दिया, लेकिन ये रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से ही। तो अब इसको भी हमें 80D में इंटर करना पड़ेगा। 80D के लिए एक नया शेड्यूल अब आ गया, इनको खुद का घर मिल गया है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल 80D है, और यहाँ पर हमें इंटर करना है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। मतलब मैं और मेरी फैमिली में से कोई सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स को छोड़ के, तो अगर है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। तो हमारे केस में हम नो कर देते हैं। अब मैं और मेरी फैमिली जब बात करते हैं सेक्शन 80D में, तो मैं, वाइफ और बच्चे, ये तीन लोग ही आना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान देना, पेरेंट्स यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर बनाया गया है। तो हमने नो कर दिया। अब यहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट इंटर कर सकते हैं, 22,600। ठीक है, 22,600 हमने इंटर कर दिया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, हमारे केस में नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी दिया गया कि क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, या पेरेंट्स का आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, ये भी कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट मिल जाता है, जो आप पेरेंट्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आप उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं तो यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। और फिर हम सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। तो सेक्शन 80D हमने भर दिया। फिर से जाएंगे इनकम डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर अभी बचे हैं। सेक्शन 80D में हमारा अमाउंट आ गया है वहाँ से। अब नीचे आएंगे तो हमारे केस में सेक्शन 80E भी है, जो कि 56,800 है। अब ये पूरा अमाउंट हमने मार्च से पहले ही भरा है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ही, अप्रैल जून से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सेक्शन 80TTA में आएंगे तो सेक्शन 80TTA में हमें छूट मिल जाता है, जो सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिला है उसका। तो हमें सेविंग अकाउंट से 810 रुपया मिला था, वही लेते हैं, वो वाला हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिटेल इंटर कर दिया डिडक्शन का। अब यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है, मार्च और अप्रैल दोनों का मिला के। अब इसको आगे चल के बायफरकेट करना है। बायफरकेट का मतलब, अब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में जो आपने पेमेंट किया है उसका अमाउंट आपको अलग से लिखना है। वो अमाउंट आप कहाँ पर लिखेंगे, आपको जाना है शेड्यूल DI में। शेड्यूल DI में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कौन कौन सा पेमेंट, टोटल पेमेंट आपने किया हुआ। अब इन अमाउंट में से आपने कितना अमाउंट का पेमेंट 1 अप्रैल 2020 और 30 जून 2020 को किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर इंटर करना। तो हमारे केस में 29,800 सेक्शन 80C का अमाउंट है, 29,800 ये हमने 1 अप्रैल के बाद किया हुआ था, सेक्शन 80C का ये अमाउंट है। उसी तरीके से सेक्शन 80D का 22,600 पूरा का पूरा हमने अप्रैल के महीने में ही किया हुआ, तो पूरा का पूरा हमने ले लिया। तो ये डिपार्टमेंट को समझ में आ जाएगा कि 1,50 में से 29,800 अप्रैल के बाद किया गया है, और 22,600 में से 22,600 पूरा का पूरा 1 अप्रैल के बाद किया गया है, और जो 56,800 है यहाँ पर जीरो ही आएगा, क्योंकि 56,800 हमने मार्च से पहले ही कर लिया था। तो ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस तरीके से आपको भरना है इनकम डिटेल्स। तो हम अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट है वो इंटर कर देते हैं। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये नहीं है, ये हम रहने देते हैं। बस ये दो डिडक्शन हमारे केस में एप्लीकेबल है, और इसको हम नो कर देते हैं, क्योंकि हमारे केस में कोई भी पेमेंट 1 अप्रैल के बाद नहीं हुआ। आपके केस में हुआ होगा, इसीलिए हमने एग्जाम्पल दिखा दिया। अब डिडक्शन हमने क्लेम कर दिया, यहाँ पर हमें टैक्स पेबल आ रहा है 12,095, जो कि हमारी शीट में भी है कंप्यूटेशन में, ये देखिए 12,095।
और रीबेट मिल गया 12,095, टैक्स पेबल जीरो आ रहा है। तो हमारे केस में ये फायदा हो गया, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने फॉर्म भर लिया हुआ है इनकम डिटेल्स का, शेड्यूल बीपी ऑलरेडी हमने भर लिया हुआ है। अब हम जाएंगे टैक्स डिटेल में। टैक्स डिटेल में यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा टीडीएस वगैरह का। हमारा अमाउंट अभी अपडेट नहीं हुआ है, हमारे केस में 7,000 का टीडीएस है लेकिन अमाउंट अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से मैनुअल यहाँ पर इंटर करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको कमीशन या कोई प्रोफेशन से इनकम आ रहा है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें मैन्युअली डाल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको टीडीएस क्लेम करना है ये वाले बॉक्स में। कभी कभी इसमें हम बॉक्स में इंटर नहीं करते, देखिए हमने यहाँ पर टीडीएस क्लेम नहीं किया हुआ है। तो जब हम जाएंगे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में तो यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा है कुछ टीडीएस, तो रिफंड भी नहीं आएगा। देखिए रिफंड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको क्लेम करना है ध्यान से। ऑटोमेटिकली आया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है 7504 जो भी आपका अमाउंट हो। उसके बाद आपको यहाँ पर हेड ऑफ इनकम भी सेलेक्ट करना है। हमारे केस में मान लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमने इंटर कर दिया, तो यहाँ पर अब 7504 ये टीडीएस आ गया है। जब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ये देखिए रिफंड अब दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं, जो क्लेम है उसको हम यहाँ पर इंटर नहीं करते, इसलिए हमारा रिफंड वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो अगर पिछले साल का कोई भी टीडीएस आपने क्लेम नहीं किया हुआ उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इनकेस आप अगर इम्प्लॉय हैं, सैलरी मिल रहा, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इन सब को आपको वेरीफाई कर लेना है 26AS से, या आगे चलकर कोई नया फॉर्म आने वाला है उसमें जो दिया रहेगा डिटेल उससे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकेस आपका हाउस प्रॉपर्टी है रेंट पर दिया हुआ, जो टेनेंट है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो वो टीडीएस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। टीसीएस अगर कट हुआ है तो यहाँ पर, अगर आप खुद से एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तब आपको उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको चालान का इस्तेमाल करके अपना डिटेल फीड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टैक्स डिटेल वाला भी पोर्शन देख लिया। अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पोर्शन में जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी हमें टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा है, टैक्स क्लेम हमने किया हुआ है, रिफंड हमें 7,500 आ रहा है। कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली सैलरीड पर्सन को ज़्यादा होते हैं, बट हमारे केस में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमें अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, एक है इसीलिए ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, दो तीन होगा तो आपको एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर कुछ और ऐड करना है बैंक का तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में अभी नहीं है तो हम रहने देते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन पार्ट है, नेम फादर नेम सेलेक्ट, यहाँ पर सेल्फ आपको सेलेक्ट करना है। हफ का कर रहे हैं तो कर्ता, और पार्टनरशिप है तो पार्टनर, बट यहाँ पर आप सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्लेस में यहाँ पर आप जहाँ पर रहते हैं वो इंटर कर दीजिए। उसके बाद आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, ये वाला ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। तो हमने सब डिटेल फीड कर दिया हुआ है। अब जाएंगे शेड्यूल डीआई में, इसको तो ऑलरेडी हमने समझ लिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में जो हमने पेमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है उसका डिटेल हमें इस वाले पोर्शन में इंटर करना पड़ेगा। शेड्यूल ATD भी हमने समझ लिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन ATG है, तो ATG में डोनेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब का जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। तो हमने पूरा फॉर्म भर दिया हुआ है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रीव्यू दिखाई देगा। दोस्तों ध्यान देना, सबमिट करने से पहले आपको 100% श्योर हो जाना कि आपने जो डिटेल फीड किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, उसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक करना है। पूरा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और चेक कर लेना है एक एक पॉइंट को कि आपने सही भरा हुआ है, इनकम सही दिखाया हुआ है नहीं, सब कुछ चेक कर लेना है। और अगर कुछ गलती हो तो ऊपर आना है, उसके बाद एडिट पर आपको क्लिक करना है और फिर उसको आपको सही कर लेना है। अगर कोई भी गलती नहीं, आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है, तब आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही पूरा प्रोसेस है। इस वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जो नए चीज़ शामिल किए गए हैं ITR 4 में उनको भी हमने एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।